So guys, without wasting any time, let's get started. Friends, the first sentence is मुझे नहीं पता. In English, I don't know. Next is उसे अंदर लाओ. Bring him in or bring him inside. कोई नहीं आया. Nobody came. बिजली चली गई है. The power has gone off. और हम बोल सकते हैं The electricity has gone off. सावधान रहे. Be careful. सावधान रहे. Be careful. हरगिज नहीं. Not at all. हरगिज नहीं. Not at all. मेरी बात सुनो. Listen to me. Next is इसे सही करो. Do it right. क्या करे. What to do. Next is मैं बस आ ही रहा हूं. I am just coming. मैं बस आ ही रहा हूं. मुझे इसमें मत घसीटो. Don't drag me into this. मेरा सिर मत खाओ. Don't nag me. यह बहुत ज्यादा है. It is too much. तुमने बहुत अच्छा काम किया. You did very well. हाँ, हर तरह से. Yes, by all means. जाओ और जाकर वहां खड़े हो जाओ. Go and stand there. मेरी राय में. दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं In my opinion. जैसा आपको पसंद, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज यू लाइक. और अगर हम बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा, तो इसको हम बोलेंगे एज योर विश. और कुछ. एनीथिंग एल्स. और कुछ नहीं. नथिंग एल्स. मैं जो कहता हूं वो करो. Do what I say. उसकी तरफ देखो. Look at him. कोशिश करते रहो. Keep trying. Next is यहां रुको. Stay here. थोड़ा सा भी नहीं. Not a bit. घबराओ मत. आराम से. इसको इंग्लिश में बोलेंगे Don't panic. Take it easy. वह तुतलाता है. He babbles. वह तुतलाता है. मुझे गुस्सा मत दिखाओ. Don't make me angry. निश्चिंत रहो. Rest assured. बहाने मत बनाओ. Don't make excuses.
बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, दबे पांव चलो, वॉक ऑन टिप टो, वॉक ऑन टिप टो, जाने भी दो, लेट इट बी, लेट इट बी, जाने भी दो। नेक्स्ट इज, दोस्तों हम बोलते हैं कि जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, तो दोस्तों इस लाइन को हम इंग्लिश में बोलेंगे द वे आई सी इट, द वे आई सी इट। आगे हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि जिस तरह से मैं इसे देखता हूं ये बहुत अच्छा है, द वे आई सी इट, इट इज वेरी नाइस। नेक्स्ट इज, मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी, जहां तक मैं देख सकता हूं, एज फार एज आई कैन सी, एज फार एज आई कैन सी। आगे हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि जहां तक मैं देख सकता हूं मौसम आज अच्छा रहेगा, तो हम बोल सकते हैं एज फार एज आई कैन सी द वेदर विल बी फाइन टूडे। मैं ईमानदारी से ऐसा मानता हूं, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, यदि आप मुझसे पूछते हैं, इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी, मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, आई नो यू, दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड, मेरे अनुभव में, इन माई एक्सपीरियंस, इन माई एक्सपीरियंस, मैंने देखा है, तो इसको हम बोलेंगे आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट, मैंने देखा है कि। तुम तमाशा क्यों कर रही हो, वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन, वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन,